गिमी या कहें गिमिक, पाली यानी पुरानी भाषा में जो गर्मी का नाम है वो है गिमी, और अगर गर्मी है तो उसको बोलते हैं गिमिक। तो जो गिमिक का समापन है यानी जो गिमिक की जो फसल आने वाली है, गर्मियों की जो फसल है उसका समापन समारोह होना है। सारी फसल जो गर्मियों की थी वो लगभग आ चुकी है, वो घर में आ चुकी है, ख़ास तौर से जो धान है वो आ चुका है। तो धन का बरसा हो रही है यानी कि धन बरस रहा है पानी की तरह, और लाखों की तादाद में धान आया है। तो लाखों को पाली के अंदर लख बोलते हैं या लखी बोलते हैं। लखी का मतलब है लखी, लखी ही बाद में आधा के और खे को मिलाकर छह बना, यानी लखी को लक्ष्मी बोलते हैं। और धान का धन बना और वर्षा का वरस बना, यानी कि धन लक्ष्मी वर्षा धान लखी बरस करके बोला जाता है। ये जो शब्दों का हेर फेर है, अगर आप पाली में जाएंगे, प्राकृतिक भाषा में जाएंगे, तो आपको बहुत सीधा सीधा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जो खेत शब्द है वो बेसिकली बाद में जाके क्षेत्र बना, और जो खेतीय थे वो बाद में जाके क्षेत्रीय बने, क्योंकि आधा के और खे छः में बदल गया। जो अक्षत शब्द है वो अक्षय बन गया, अक्षत बन गया। ये शब्दों में जब आप देखेंगे तो पाली में बहुत कम शब्द होते हैं, संयुक्त शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो बहुत कम मात्रा में, या नाम मात्र का कोई शब्द उसके अंदर आता है। दीपावली जो शब्द है बेसिकली इसका मतलब है दीप की आवली, यानी कि दीप आवली बोलते हैं पंक्ति को या माला को। एक लाइन में अगर किसी चीज को रख दें तो उसको पंक्ति बोलेंगे या माला बोलेंगे, और अगर दीप की पंक्ति है तो उसको बोलेंगे दीपावली। ये दीपावली जो शब्द है ये बाद में जाके बना, क्योंकि ये गिमिक समापन समारोह जो था, यानी कि जो गिमिक की फसल है उसके समापन समारोह को बाद में दीपावली में या दिवाली में कन्वर्ट हो गया वो अपने आप धीरे धीरे समय के अनुसार, क्योंकि कृषि प्रधान जो मान्यता थी वो धीरे 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 व्यापारी प्रधान मान्यता में, बिजनेस प्रधान मान्यता में, या जो ट्रेड प्रधान मान्यता है उसमें बदलती चली गई, और कृषि प्रधान मान्यता बहुत पीछे कहीं छूट गई। आज की डेट में व्यापार ज़्यादा होता है, धान की बात कोई नहीं करता है। हालांकि खील जो खाते हैं पुराने समय में, जो खील आपने देखे होंगे, या आपने देखे होंगे कि कलश से बहुत ज़्यादा जो गोल्ड है, किसी फोटो में देखा होगा कि कोई स्त्री अगर कलश में बहुत ज़्यादा कोई गोल्डन चीज़ करती है तो वो गोल्डन धान को बोलते हैं, क्योंकि इसको कनक भी बोला जाता है, यानी कि गोल्ड जैसा इसका रंग होता है। तो सारा का सारा जो फेस्टिवल है वो धान से संबंधित है, धान की फसल से संबंधित है। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु आ रहे हैं राजगीर से, वो चल पड़े हैं। जब वहाँ पहुँचे हैं तो पहुँचने के बाद में वहाँ उन्होंने प्रकाश फैलाया, यानी प्रकाश फैलाया, धम्म का प्रकाश फैलाया। जैसे कहावत आपने सुनी होगी, दीप से दीप जलाते चलो, वैसे ही वो प्रकाश से प्रकाश को फैलाते हुए जा रहे हैं। धम्म की एक खास बात है कि धम्म जो व्यक्ति जो परिवार सीख लेता है वो आगे भी इसको फैलाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सेहत के लिए और व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं और बन जाती हैं। गौतम बुद्ध जब अपने घर जा रहे हैं, भिक्कुचंग साथ है, तो वहाँ पे एक बाहर एक वन है जो वट वृक्ष का, यानी वट रुख का वन है, जिसको संस्कृत भाषा में निग्रोधाम बोलते हैं, यानी निग्रोध जो वृक्ष का नाम है वो वट वृक्ष या बड़ वृक्ष को बोलते हैं। आपने बड़ौदरा का नाम सुना होगा, बड़ौदरा का नाम वट वृक्ष से पड़ा है, बड़ से पड़ा है, यानी वहाँ इतने बड़ के पेड़ हैं कि उसको बड़ौदरा बोलते हैं। तो ऐसे ही वट वृक्ष के एक बाग में जाके उन्होंने, जो कपिल वस्तु के पास था, वहाँ जाके सारा भिक्खु संघ रुका, और वहाँ जाके उन्होंने अपना आराम गृह, यानी कि अपना बाग, अपना स्थान बनाया। उसके बाद वो भिक्षा मांगने के लिए वहाँ से चलने लगे। वहाँ जाके उन्होंने अमावस वाले दिन लोगों को मिले और जुले, जिसमें वो अपनी पुरानी पत्नी, क्योंकि अब वो उनकी पत्नी नहीं है, बुद्ध की कोई भी पत्नी या कोई भी संबंध या कोई भी रिलेशन बुद्ध होने के बाद खत्म हो जाते हैं, वो सिर्फ बुद्ध के और उपासक या उपासिका के रहते हैं, क्योंकि बुद्ध जब सारी चीज़ों को छोड़ते हैं तभी बुद्ध बनते हैं। तो वो जो पुराने उनके संबंध थे, उनके पिता के, उनके पुत्र के, उनकी पत्नी के, वो और उनके भाई, उनके अड़ोसी पड़ोसी, वो सब उनसे जाके मिलते हैं। वहाँ जाके उनको वो धम्म देते हैं, देशना देते हैं, धम्म का प्रकाश देते हैं, धम्म का प्रकाश फैलाते हैं, और अमावस, कत्तिक अमावस को वहाँ पे चारों तरफ धम्म का प्रकाश फैल जाता है, इसलिए इसको धम्म दीप
पकास उत्सव के नाम से बोला जाता है। एक साथ तो ये उत्सव नहीं बना, क्योंकि ये हजारों सालों में डेवलप होता है, सैकड़ों सालों में डेवलप होता है, तो उस याद में धीरे 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 ये फंक्शन बनता, ये फेस्टिवल बनता चला गया। ऐसा करके उन्होंने प्रकाश फैलाया, जिसने सारे के सारे जितने भी अंधेरे थे वो दूर कर दिए, जितने भी काली रात के अंधेरे थे वो सारे के सारे उन्होंने हमेशा के लिए दूर कर दिए। जो उन्होंने तरकीब बताई भय को और दुख को दूर करने की, उसको पंचान अमृत बोलते हैं। पंचान अमृत का मतलब है जो पांच सील हैं, जो अमृत तत्व हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पांच सील को अपनाता है या पांच सील की प्रैक्टिस करता है तो वो अमृत तत्व में आते हैं, जिसमें बाद में उसको संस्कृत भाषा में अमृत बोला गया। यही वो अमृत है जो व्यक्ति इसको चख लेता है, जो व्यक्ति इसको एक बार ग्रहण कर लेता है वो व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है, फिर उसको मार नहीं मार सकती। मार का मतलब है जो बुराई है, जो दुख है, वो उसके पास नहीं आते हैं। इसी को पंचांग बोलते हैं, यानी कि पांच अंग बोलते हैं अमर तत्व के, यानी जो अमृत है उसका पंचांग बोलते हैं पांच अमर तत्व। ये सारी चीजें वो वहां सिखाते हैं, एक एक आदमी को वहां अमर होने के लिए उपदेश दे देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, विपसना करते हैं, ये उनकी दिनचर्या में शामिल होता है। अगले दिन से जब वो विधिवत रूप से धम्म सिखाते हैं तो उसको बोलते हैं गौतम धम्म दिवस हो, यानी गौतम ने धम्म दिया उसका दिवस बोला जाता है। वहाँ वो बाकायदा जो उन्होंने धम्म का स्थान बनाया हुआ है कपिल वस्तु के पास में, वहाँ जाके वो विपसना प्रैक्टिस कराते हैं। महिलाएं अपने घरों में, अपने जहाँ वो रहती हैं वहाँ सीखती हैं, जो कपिल वस्तु की जगह है। जो लोग धम्म में आना चाहते हैं, संघ में आना चाहते हैं, वो संघ में आना शुरू कर देते हैं। उनके जो पुत्र हैं और उनके जो साथी हैं वो सब धम्म के प्रति बड़े ललायत हैं। राहुल को वो 4 महीने रहने के बाद में धम्म देते हैं और राहुल भी धम्म में संघ में शामिल कर लेते हैं। बाद में उनके भाई जो बुआ के लड़के देवदत्त और जो उनके चचेरे भाई थे वो भी आ जाते हैं, जो धम्म में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार उनका संघ लगातार लगातार बढ़ता रहता है। और जब वो अगले दिन धम्म सिखाते हैं तो धम्म सिखाने वाले दिन को गौतम धम्म दिवसों बोलते हैं, और उससे अगले दिन लोगों का भय दूर होना शुरू हो जाता है, भय का दर्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको भय दूर दस्य दिवसो या भय दूरदर्शी दिवसो भी बोला जाता है। इस ये सारा का सारा फेस्टिवल लगातार चल रहा है। छठे दिन लगभग बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। परेशानी इसलिए आती है क्योंकि जो विपसना साधना करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो बुद्ध की टेक्निक अपनाते हैं, वो जानते हैं कि पांचवें छठे दिन आदमी को या महिला को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। उसको लगता है कि वो किस जंजाल में फंस गया और वो इससे मुक्त होना चाहता है। बहुत सारे लोग विपसना साधना छोड़ के जो कमज़ोर होते हैं वो भाग भी जाते हैं। इसलिए छठा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो 6 दिन पार कर लेता है फिर वो बाद में लगातार विपसना करता रहता है, जो जीवन भर उसके साथ रहती है, जीवन भर उसके दुखों को छोड़ती है। ये एक रिपल्सन होता है जो छठे दिन खास तौर से ज़्यादा होता है, क्योंकि सारी बुराइयाँ एक साथ शरीर में हमला करती हैं और कहती हैं कि आप विपसना साधना मेडिटेशन मत करो, आप सच्चाई के रास्ते पे मत चलो, आप बुराई के रास्ते पे चलो, बुराई का रास्ता अच्छा है। बुराई की और अच्छाई की शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा शरीर को परेशानी महसूस होती है, इसलिए उसको छठ बोला गया है। छठ का जो फेस्टिवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को उस दिन अर्घ दिया जाता है, और जो भगवान बुद्ध ने जो खीर खाई थी उसको खरना बोलते हैं, जो दूध की बनी होती है वो खरना दिया जाता है। अर्थ का मतलब है कि जो सनलाइट है उसको विपसना साधना करने वाली जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो सब परिवार के लोग उस सनलाइट को ले लें, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और साधना करने में आसानी रहती है। ये अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट, और ये फेस्टिवल बुद्ध के क्षेत्र में, यानी जहाँ उनका कार्य क्षेत्र रहा है उसी कार्य क्षेत्र के अंदर ये बनता है और वहीं का फेस्टिवल है। बाकी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है, मगर अर्थ का मतलब होता है आधा, यानी कि आधा भोजन और आधा आपने सनलाइट लेनी है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि 40% सनलाइट कम से कम बॉडी में 40 मिनट तक रहनी चाहिए, 40 का रूल होता है। इस प्रकार ये सारी की सारी जो सीरीज है वो चलती है। अब इसमें अगर ऐतिहासिक तरीके से आप देखेंगे तो ये जो फेस्टिवल है ये बुद्ध से भी पहले का फेस्टिवल है, धान का फेस्टिवल है, जब धान घर में आता है और गर्मी की सारी फसल का समापन समारोह है। उसके बाद में बुद्ध घर आते हैं तो ये और ज़्यादा बड़ा फंक्शन हो जाता है, क्योंकि वो उसी दिन आते हैं जिस दिन धान का फेस्टिवल है, और ये फिर धम्म प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, या धान प्रकाश उत्सव के नाम से आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इसको आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि
अशोक के समय में 84,000 जो स्कंद थे या 84,000 जो पत्थर की किताबें या स्तूप या प्याऊ या गौशाला या धर्मशाला या अस्पताल या स्कूल या आराम गृह जितनी भी बिल्डिंग हैं जितने भी स्मारक चिन्ह थे 84,000 पूरे ईरान से लेके और बर्मा तक वो स्थापित किए गए और उनका एक साथ उद्घाटन किया गया। आज की डेट में भी बहुत सारी जगह 84,000 दिए जलाए जाते हैं और उस खुशी में उन प्रतीक चिन्हों में जो पुराने आराम गृह या पुराने जिनको आज की डेट में हम ये कह सकते हैं बिहार हैं या जो बिहारों के नाम बदल गए हैं जो इमारतें पुरानी हैं वहाँ भी आज की डेट में प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, धम्म प्रकाश उत्सव के दिए चारों तरफ जलाए जाते हैं। इसके अलावा जो ईस्ट एशिया है उसके कुछ कंट्रियों में भी प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, धम्म प्रकाश उत्सव की आवाज़ें वहाँ से आती हैं, फोटो वहाँ से आते हैं जो लगातार वहाँ बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 24वें जो तीर्थंकर थे उनका निर्वाण प्राप्त वहाँ हुआ जो किताबों में लिखा हुआ है और जो भगवान बुद्ध के जो लेफ्ट हैंड थे जिनको महामोगलान बोलते थे उनके शिष्य थे और बहुत अच्छे वो जो धम्म है उसमें बड़े पारंगत थे और धम्म को बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनको बहुत लोगों ने मार के एक साथ मार के समूह में उनकी एक तरह से कैसा उनके घर में उनकी हत्या करके उनको मार दिया गया। ये भी अमावस की रात को हुआ और अमावस से एक दिन पहले जो काली चौदस आती है इसमें जो केरल के राजा महाबली थे जो बलि राजा थे उनकी हत्या का प्रयास किया गया, कुछ लोग कहते हैं उनकी हत्या हुई है क्योंकि वो अमावस के दिन फिर बाद में प्रकट भी हुए हैं आ भी गए हैं, तो या तो हत्या हुई है या वो हत्या हुई और वो नाकाम रहे और वो आगे ऐसी कथा कहानियों में बताया जाता है। बाकी राजा बलि पे भी आघात यानी प्रहार किया गया उस रात में। ये निगेटिव बातें दो हैं मगर पॉजिटिव बातें अशोक ने जो 84,000 स्कंद चारों में फैलाए और धम्म को दोबारा से लेके आए ये बहुत पॉजिटिव बात रही और धम्म तब से लेके अब तक ऐतिहासिक रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। नेपाल में जो नेवा लोग हैं, नेवा लोग वो पुराने लोग हैं जो आज भी 5 दिन का उत्सव मनाते हैं और 5 दिन का उत्सव क्योंकि कपिल वस्तु नेपाल में पड़ता है इसलिए नेवा लोग वहाँ के नेटिव लोग हैं जो 5 दिन का उत्सव वहाँ मनाते हैं और लगभग उसी तरह से प्रकाश को फैलाते हैं जिस तरह से प्राचीन समय में कपिल वस्तु में फैलता था। ये बातें हैं दीपावली की या धम्म प्रकाश उत्सव की या धम्म दीप प्रकाश उत्सव की या दीपदान उत्सव की। दीपदान का मतलब है दीप को देना, दान माने होता है देना यानी दीप को देना, प्रकाश को देना यानी धम्म प्रकाश को देना यानी धम्म को देना यानी धम्म दान, धम्म का दान देना। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश उत्सव और धम्म उत्सव दान उत्सव दोनों बराबर हैं यानी किसी को प्रकाश देना और किसी को धम्म देना दोनों ही बातें एक हैं। इसलिए ये बड़े कमाल की बात है कि भगवान बुद्ध ने कपिल वस्तु में और सारे लोगों में लगातार प्रकाश दान दिया या धम्म का दान दिया। अब आप दीपावली आज के समय में कैसे मनाएं और मैं दीपावली पे क्या करता हूँ। हमारा परिवार बिजनेस परिवार रहा है, हमारी एक दुकान एक छोटे शहर में हुआ करती थी और मैं अक्सर कॉलेज करने के बाद में दीपावली पे जब घर जाता था तो 7 दिन तक वो दुकान को खोलता था। वो दुकान लगभग बंद रहती थी हमारी, सिर्फ पूरे साल में 7 दिन वो दुकान खुलती थी। मैं उस पर जो आतिशबाजी क्रैकर्स या पटाखे और मोमबत्ती हैं वो उस पर बेचा करता था। पूरे साल का किराया हम 7 दिन में उस दुकान से निकाल लेते थे। लोग बहुत ज़्यादा उन्माद में होते हैं इस फेस्टिवल में और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के मूड में होते हैं। दरअसल जो फेस्टिवल है वो उनको इस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से उनको स्लेव या गुलाम बना देता है कि उनके सोचने समझने की शक्ति लगभग ख़त्म हो जाती है और वो अपना बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा बहुत फ्री हाथ से वो बाज़ार में लुटाते हैं। एक तरह से बहस होती है कि किसने कितने ज़्यादा पटाखे लिए, किसने कितने ज़्यादा कपड़े लिए, किसने कितनी ज़्यादा मिठाई ली, कौन कितना ज़्यादा खर्च करता है। लोग उधार ले लेके पैसे आते थे और हमें नगद में दे के जाते थे। 7 दिनों में मैं 12 महीने का किराया निकाल लेता था और 2 साल के अंदर मैंने एक बढ़िया स्कूटर जो लगभग 35-40 हज़ार का उस समय आता था वो मैंने ख़रीदा। 10 हज़ार के जो पटाखे अगर मैं बाज़ार से लेके आता था तो वो लगभग 25 या 30 हज़ार के टोटल बिकते थे, मुझे 1.5 गुने का और 2 गुने का फ़ायदा होता था। मेरी बहुत छोटी सी आमदनी थी मगर पूरा बाज़ार अगर आप देखेंगे तो पूरे बाज़ार में यही हालत रहती थी, कोई नहीं पूछता कि कितने की चीज़ है और कितने की आई और कितने की गई। उन्माद ऐसा ज़बरदस्त होता है, ऐसा पागलपन होता है ख़रीदारी करने का और दिखावा करने का कि लोग अपना मेहनत का पैसा पानी की तरह बहाते हैं और हमारे जैसे जो दुकानदार थे वो उसको कैश करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो जाएगा। इसलिए अगर आप दुकानदार हैं
या आप उस बिजनेस में हैं और आपको लगता है कि आप लोगों का पैसा कमा सकते हैं, इसको कमाना बोलते हैं, कमा सकते हैं, जो पैसा वहाँ लुटने वाला है वो पैसा आप अपने शेयर में डाल सकते हैं, आपके लिए दीपावली बहुत बढ़िया है क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है। और अगर आपका पैसा जा रहा है, आप बिना सोचे समझे खरीदारी कर रहे हैं, अधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर दिवाली आपके लिए इतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं है, मैं कहूँगा कि नुकसानदायक है क्योंकि आपका मेहनत का पैसा जा रहा है। दिवाली पे आप अपने आप को संयम में रखें। दीपावली पे जो आपने खरीदना है वो दीपावली के बाद खरीदें या दीपावली से बहुत पहले जो कनागत आते हैं उनमें खरीदें, तब मार्केट बहुत सस्ता होता है, बहुत अच्छा होता है। जरूरत का सामान खरीदें, दीपावली की भीड़ में बिल्कुल ना खरीदें क्योंकि दीपावली की भीड़ में पुराना सामान भी बिकता है। जैसे जो बचे हुए पटाखे होते थे या बची हुई मोमबत्ती होती थी, पिछले साल की मैं पैक करके रखता था और अगले साल में उनको बेचता था और वो अगले साल में ज़्यादा दामों में बिकती थी। लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि ये पुराने हैं या ये नए हैं, क्योंकि दीपावली के अंदर हमारा जो पड़ोसी है वो ड्राई फ्रूट बेचता था, उसका बारिश में लगा हुआ सारा ड्राई फ्रूट जो फंगस लगा हुआ होता था वो छत पर सुखाता था और फिर दिवाली की भीड़ में सारा बेच देता था। इसलिए जितना भी फंगल लगा हुआ या बारिश में खराब हुआ जितना भी अन्न या जितना भी ड्राई फ्रूट या जितना भी बिस्कुट या जितना भी सामान होता है वो दीपावली की भीड़ में सारा का सारा बिक जाता है। दीपावली में गिफ्ट देने का और बहुत ज़्यादा चलन होता है, दिखावे का चलन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे परिवार में जो हमारे पिताजी थे, क्योंकि वो बहुत पहले से इन सब चीज़ों को जानते थे और दादा भी हमारे, उन्होंने गिफ्ट का लेने का देने का चलन बंद कर दिया। कोई आके हमें अगर गिफ्ट देता है उसका वेलकम है, स्वागत है, हम उसको उसी का गिफ्ट खोल के खिलाते थे, बाकी हम किसी को गिफ्ट देने नहीं चाहते थे। कोई हमें दे जाए वो उसका काम है, अगर वो दे रहा है तो हम उसको मना नहीं करते थे, मगर हम अपनी तरफ से उसको गिफ्ट नहीं देते थे क्योंकि ये पैसे का बहुत ज़्यादा मिसयूज और पैसा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मिठाइयाँ बहुत बासी होती थी क्योंकि हलवाई बहुत पहले से उनको बना कर रखते थे, फिर वहाँ गंदे हाथों से उनको लेते थे। किसी को गिफ्ट देने से उसकी सेहत भी ख़राब हो सकती है और उसका मन भी ख़राब हो सकता है, इसलिए पैसा भी ख़राब होता है। इसलिए सारी चीज़ों को बचाते हुए सिर्फ दिवाली के दिन, क्योंकि सब बच्चे मिठाई खाते थे, तो मेरे पिताजी इमरतियाँ लेके आते थे। इमरतियाँ हैंड टू हैंड बनती हैं, गर्म गर्म बनती हैं, ताज़ा बनती हैं, उनमें हाइजीन का जो फैक्टर है वो बिल्कुल क्लियर होता है, आपको कहीं भी उसमें खराबी नहीं मिलेगी। ये हम एक एक दो दो इमरती खाते थे और बड़े मज़े से रहते थे, ताज़ा सब्जी और ताज़ा फल खाते थे और खूब पैसा हम दुकान पर कमाते थे, पूरा परिवार हमारा पैसा कमाता था। दीपावली पैसे कमाने के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, आप दीपावली पर कोई भी धंधा कर लीजिए, आपको उसमें आमदनी ही आमदनी होगी क्योंकि लोग उस दिन आपसे कुछ नहीं पूछते, उस समय सब लोग खरीदारी को आते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भीड़ में रिलम पेल होती है, सारा माल बिक जाता है, पुराना या नया किसी भी दाम पर आप बेचिए। तो दिवाली खरीदारों के लिए बहुत बेकार होती है और जो बेचने वाले दुकानदार हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद।